अब नेताओं के फ्री बिजली के बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या 2022 के चुनाव में बिजली ही बड़ा मुद्दा बनेगी। इसी पर जवाब जानेंगे खास मेहमानों से, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल जीरो हो जाएंगे, सबके बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे, किसानों के बिजली के बिल जीरो करेंगे। हम सब जानते हैं कि यूपी में सियासी तपिश के बीच आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। उत्तराखंड के बाद अब आम आदमी पार्टी ने यूपी में भी बिजली फ्री देने की बात कही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएं, केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनवाएं, और उसके बाद हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल जीरो हो जाएंगे। यूपी के चुनावी समर में आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर बिजली के बकाया बिल भी माफ होंगे। आम आदमी पार्टी का समर्थन करिए, विधानसभा चुनाव में 6 महीने बाकी हैं, 6 महीने बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। जितने लोगों के बकाया बिल हैं, जो योगी सरकार की महंगी बिजली की वजह से आपके ऊपर अपराधी बनके चढ़े हुए हैं, जो आपको अपराधी बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही इन बिलों को फाड़ के फेंक दीजिएगा, सबके बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे। ये महंगी बिजली आपके घर में अगर आती है और महंगे बिल अगर आपके घर में आते हैं, तो इसमें अपराधी आप नहीं है, अपराधी वो सरकार है जो महंगी महंगी बिजली करके पैसा कमा रही है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रही, मनीष सिसोदिया ने तो ये तक कह दिया कि अगर उनकी सरकार बनी तो दिल्ली की तरह यूपी में ही काम करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे हमने केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया, वहां पे बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं, वहां पे 24 घंटे बिजली आ रही है, इसी तरह से यहां पे भी करेंगे कि बिजली के बिल जीरो आएंगे और जिनके बकाया बिल हैं उनके बिल जीरो करेंगे। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने यूपी में 24 घंटे बिजली देने का भी वादा किया। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में केवल और केवल बिजली के बिलों से मुक्ति नहीं दिलाई लोगों को, महंगे महंगे बिजली के बिलों से मुक्ति नहीं दिलाई, बल्कि जो लंबे लंबे पावर कट लगते थे दिल्ली में 2015 से पहले, पूरा ब्लैकआउट चलता था, लोगों को अगर अपने घर में बिजली चाहिए थी तो लोगों के घर में बिजली कम आती थी, इन्वर्टर से चार्ज करके ज्यादा रखना पड़ता था। दिल्ली में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है दिल्ली के लोगों को, लोग जनरेटर और इन्वर्टर खरीदना भूल गए हैं, बाजारों से इन्वर्टर और जनरेटर गायब हो गए हैं। यही काम उत्तर प्रदेश में भी होगा। साथ ही किसानों को भी साधते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार आई तो किसानों के भी बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे हमने केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया, वहां पे बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं, वहां पे 24 घंटे बिजली आ रही है, इसी तरह से यहां पे भी करेंगे कि बिजली के बिल जीरो आएंगे और जिनके बकाया बिल हैं उनके बिल जीरो करेंगे और किसानों के बिजली के बिल जीरो करेंगे। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही, मनीष सिसोदिया ने कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़ा दावा किया है। 2022 का चुनाव सिर पर है, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बिजली बिल फ्री करने का दांव चलकर सियासी पार्टियों को जोर का झटका जोर से देने की कोशिश की है। हालांकि इस चुनावी घोषणा का क्या असर होता है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।